रेड़ी का जो एक मुद्दा था साफ सफाई, गंदे पानी का जो ठहराव है उससे अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और डेंगू मच्छर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही। आज हम लोग एक आवेदन देने आए हैं, पानी का गंदा पानी का ठहराव को लेकर एक वीडियो बनाया गया था, उस मुद्दे को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और समुदाय संवाददाता मेरे द्वारा यानी कि नगर निगम क्षेत्र में एक आवेदन दिया गया था कि अभी समस्या का समाधान कर दिया गया है। और मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ खुरारी से, यहाँ पे मैडम के द्वारा आवेदन दिया गया था। ये पानी यहाँ पे बहुत पड़ा हुआ था गंदगी के आधार, हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मैडम के द्वारा आवेदन दिया गया था, उसके लिए पानी अभी तो है अब तो बंद किया गया है और अब तो उसका बदला आ चुका है। तो जैसे कि जो गंदा पानी का ठहराव था क्या वो बंद हो चुका है? वो बंद हो चुका है। हमने गंदा पानी के ठहराव को रोकने के लिए नगर निगम क्षेत्र के कर्मचारी समुदाय संस्था व सामुदायिक संवाददाता का विशेष योगदान रहा। भरा हुआ रहता था, अरे वो बंद करवा दिया मैडम, वो कैक सुन के ना ही बड़ी मुश्किल में बंद किया उनने, तो पानी बंद कर। तो अब तो मच्छर या मलेरिया जैसे नहीं होते? अरे देखो तो पानी बगड़ रहा तो अब तो सूखा डर होता, अभी अभी स्थिति कैसी है? ठीक है ठीक है। पानी की समस्या बताई थी वहाँ पर, गए थे अपने WHO के साथ में, तो वहाँ गए सफाई भी थी वहाँ पर और पानी की टंकी रखी हुई, अभी पानी नहीं था इस समय, लेकिन आगे वो टंकी आप लोग बता रहे हो खाली थी, तो हम उसके स्थायी समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आरा ग्वालियर मध्य प्रदेश इंडिया अनहट के लिए।